सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं तनु तिवारी। सुपौल सदर थाना इलाके के पसरा वार्ड नंबर 1 में एक विवाहिता महिला को फांसी पर लटकाकर मार देने का मामला सामने आया है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वही घटना के बाद ससुराल पक्ष घर छोड़कर मौके से फरार है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई में जुटी है। मृतका की पहचान सदर थाना इलाके के परसा वार्ड 1 निवासी मोहम्मद आसिम की पत्नी 22 वर्षीय शबाना के रूप में हुई है। मृतका की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिससे एक 7 माह के दूध पीती बच्ची है। मृतका का मायके सदर थाना इलाके के अमोठो वार्ड 8 में पड़ता है। मृतका के चाचा मोहम्मद लुकमान ने बताया कि मेरे भाई की बेटी शबाना की शादी 2 साल पूर्व करवाई गई थी। पति मोहम्मद आशिफ गुजरात के सूरत में मजदूरी किया करता है, जहां बीते 1 सप्ताह पहले एक लड़की को अपने साथ घर लेकर चला आया और उसको रखने लगा, जिससे अवैध संबंध का शबाना ने विरोध किया, जिसके बाद शबाना के परिवार वालों ने पंचायत बिठाकर उस लड़की को वापस सूरत भेजने की बात रखी और उसे भेज दिया गया। जिस बातों को लेकर शबाना से उसका पति खफा रहने लगा और मंगलवार की रात इसी को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद उसे करीब 11-12 बजे उसकी गला में फांसी लटकाकर मार दिया गया। इस बात की जानकारी रात करीब 1 बजे मायके वालों को लगी तो सूचना पर शबाना के ससुराल पहुंचकर देखा तो उसका शव घर के फर्श पर पड़ा था और घर के सभी सदस्य फरार थे। इसकी जानकारी सदर थाने की पुलिस को दी गई। मृतका के मायके वालों ने अंदेशा जाहिर किया कि पति के अवैध संबंध का विरोध को लेकर शबाना की हत्या की गई है। वहीं सुपौल सदर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला प्रकाश में आया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद यह मौत के कारणों का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। वहीं मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इनकी मृत्यु हुई है, इनका मृत्यु हुआ इनका ससुराल में। इनका ससुराल वाला जो है ना, लड़की को फांसी लगा के मार दिया, इसलिए उसका लड़का जो था ना, जो बाहर से किसी लड़की को भगा करके ले आया था, वही बात को समझाने बुझाने के चक्कर में लड़की तो वो चला गया, पर इसका सास ससुर मिलकर, यानी इसका पूरा परिवार मिल करके लड़की को रात में फांसी लगा के मार दिया। 11-12 बजे के बीच में उसको मारा गया। मुझे 1 बजे फ़ोन किया गया, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लड़की को फांसी लगा के मार करके नीचे लेटा दिया था। जब हम आए तो देखे उसका सारे घर से भागा हुआ था। ये कौन सी जगह घटना हुआ? ये आपका घटना हुआ यहाँ पे परसा में घटना हुआ। वार्ड नंबर कितना? 1। क्या नाम है लड़की के ससुर का, पति का? लड़की का ससुर का नाम है असलम और लड़की का पति का नाम है आसिन, मोहम्मद आसिन। कौन सब मिलके मारा? ये इनका ससुर और इनका दुल्हा और उसका क्या कहता है उसका दामाद, उसकी लड़की, यानी 5 गर मिल के उसको मारा। आप कौन है मृतक? हम इनका चचा है। क्या नाम है मृतका का? इनका लड़की का तो नाम हुआ शबाना और मेरा नाम हुआ मोहम्मद लुकमान। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा सुपौल हुआ, ये वार्ड नंबर 8 में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले आपका अपना चैनल GBN24।